एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एलरन गोल्ड, ठीक है, एलरन गोल्ड के बारे में बात करेंगे। एलरन गोल्ड की प्राइस क्या है और उसने अभी तक ग्रोथ कितने किए हुए हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम आपको वाजीरेक्स पे दिखाते हैं कि एलरन गोल्ड क्या चल रहा है, ठीक है। अभी आप एलरन गोल्ड में भी मैंने सर्च किया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं USDT में 440 यानी कि इंडियन करेंसी में 34,540 पे ट्रेड कर रहा है और INR में 34,400 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो आप जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हो, बट इसको दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अभी ये जो है कि मुझे जहाँ तक लगता है ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है, तो मैं आपके सामने इसके बारे में रिसर्च करूँगा और साथ में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम हैं इंडियन, तो हम INR में ट्रेडिंग ज़्यादातर करते हैं। तो सबसे पहले मैं INR में सेक्शन में चेक कर लेते हैं कि हमने इसमें ग्रोथ कितना किया हुआ, ठीक है। इसमें ग्रोथ कितना किया हुआ कितने समय में, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो इसका ग्रोथ जो कि 4 आवर के चार्ट में हम देखते हैं पहले, ठीक है। तो 4 आवर के चार्ट में आप देख सकते हो इसका ग्रोथ कितना है। लो 30 गया हुआ है और हाई इसका 34,667, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा इसकी देख रहे हैं आप वॉल्यूम की बात कर ले, ये रहा वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका 298.156 है, ठीक है। इसकी वॉल्यूम भी कम है, बट इसकी प्राइस तो हाई है ना। प्राइस आपका 34,000 है, उसकी वॉल्यूम कम है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप पॉइंट में इसको परचेस कर सकते हो। बट मैं ये कहूँगा कि पहले आप किसी के भी कहने, मैं चाहे कोई भी यूट्यूबर हुआ, किसी कहने पे आप कोई भी करेंसी या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। आप अपने हिसाब से उसको रिसर्च करो, दो चार लोगों को देखो, दो चार लोगों का आर्टिकल पढ़ो, उसका करेंसी के बारे में पता करो, ठीक है। उस करेंसी की स्ट्रेटजी क्या है, किस पे बेस्ड है, उसके बाद आप कभी भी क्वाइन में परचेस किया करो, ठीक है। मेरी बात को हमेशा भी याद रखो, ठीक है। तो अभी हम पहले तो उसका यहाँ पे देख लिया हमने, ये मैं वाजीरेक्स पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको पहले हम गूगल करके देखते हैं, गूगल पे जो है किसकी क्या रैंकिंग वगैरह है, ठीक है। ये हमारा गूगल आ गया, ठीक है। तो अभी मैंने गूगल में देखा गोल्ड के बारे में, सबसे पहले हम एलरन गोल्ड, ठीक है। तो हम एलरन गोल्ड सीधा सर्च करते हैं पहले, ठीक। तो एलरन गोल्ड, ठीक है, ई गोल्ड ये आ गया है हमारे पास। अभी हम इसका देख सकते हैं, ये इसका ओरिजिनल वेबसाइट है elrun.com, आप भी अपने ब्राउजर में इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं एलरन गोल्ड पे, तो ये इंटरनेट स्केल कुछ करके है, तो इसे अभी ओपन हुआ, तो अभी ये ओपन हो चुका है। आप देख सकते हो इसका ये इंटरफेस है, इसका ये सिंबल है एलरन गोल्ड का ऊपर, ठीक है। तो द इंटरनेट स्केल ब्लॉक चेन इज लाइव, ठीक है। ये एलरन गोल्ड का लिखा हुआ है कि जो इंटरनेट ब्लॉक चेन है वो लाइव हो चुका है। हाई स्केलेबल फास्ट एंड सिक्योर ब्लॉक चेन प्लेटफॉर्म फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्स एंटरप्राइज यूज केसेज एंड द न्यू इंटरनेट इकोनॉमी जो है उसके ऊपर इसको बेस्ड करके बनाया गया है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं एक्सप्लोर एलरन वैलिडेटर डेवलपर बिजनेस इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर। सबसे पहले हम वैलिडेटर्स को देखते हैं कौन है इसमें। योर एलरन ई गोल्ड स्टेक ईयरली रिटर्न, अब अगर आप 100 जो है कि 100 एलरन गोल्ड को जो है कि स्टेक करते हो, उसको बाय करके रखते हो, तो आपको 21.45% का जो है कि इस पर रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो डेली का आप देख सकते हो 0.06 यानी कि आपके $25.67 आपको रिटर्न मिलता है। मंथली जो है कि आपको 1.79 एलरन गोल्ड मिलता है यानी कि $780 और ईयरली 21.45 एलरन गोल्ड यानी आपकी 9,370। वाई स्टेक ऑन एलरन, जेनेसिस स्टेकिंग इज द फाइनल फेज लीडिंग टू द एलरन मेन नेट लॉन्च, थस ऑल एलरन ई गोल्ड होल्डर आर इंसेंटिवाइज टू सपोर्ट द एलरन नेटवर्क एंड मेन नेट लॉन्च बाई लॉकिंग द एलरन गोल्ड इंटू ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंट्रीब्यूटिंग टू रीच द नेसेसरी इकोनॉमिक सिक्योरिटी थ्रेशोल्ड एंड अर्निंग रिवार्ड वाई डेलीगेटिंग और रनिंग अ वैलिडेटर नोड, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी है एलरन मेननेट लॉन्च होने वाला है, तो जो भी उसके होल्डर हैं, इंसेंटिव प्रोवाइडर हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं एलरन गोल्ड नेटवर्क को, ठीक है, मेननेट के लॉन्च को। तो इसलिए वो अपने जो भी उनका एलरन गोल्ड में जो है कि उनका कॉइन पड़ा हुआ है उससे वो लॉक करा रहे हैं, ठीक है। अभी वो ईयरली या मंथली जो भी उनको लॉक कराना है वो लॉक करा रहे हैं। हियर वाई यू शुड स्टार्ट स्टेकिंग टूडे, ठीक है, हमें क्यों स्टार्ट करना चाहिए स्टेकिंग करना, ठीक है, उस कॉइन को परचेज करके। तो बी असम एंड मेक हिस्ट्री बाय बींग पार्ट ऑफ द एलरन जेनेसिस, ठीक है। तो एनरोल जेनेसिस का पार्ट बन के आप जो कि हिस्ट्री क्रिएट कर रही है, ठीक है, उसके बारे में लिखा है। बी एन अर्ली अडॉप्टर ऑफ गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी, आपको जो भी चेंज आने वाला है मार्केट में, इंटरनेट में बदलाव आने वाला है, उसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट को एक्सेप्ट करने के लिए आप इसे चाहे तो परचेज कर सकते हो। अर्न कम्पिटेटिव रिवार्ड, जो भी रिवार्ड वगैरह इनके, ठीक है, उसके बारे में आप दिया हुआ है। डेवलप टेस्ट एंड डिप्लॉय विद द टूल्स यू लव, ठीक है। एलरन सपोर्ट द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एलरन जो कि मोस्ट सपोर्ट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्लेक्सिबल टूल्स को, एंड कम विद क्लियर एंड
कैनोनिकल डॉक्यूमेंटेशन, कैनोनिकल डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही आता है, यू कैन क्विकली स्टार्ट एंड डिप्लॉय योर एप्लीकेशन ऑन ब्लॉकचेन डिजाइन विथ रियल यूज इन माइंड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इसका जो कि अभी जो भी है सी प्लस प्लस और सी जो है रस्ट वगैरह, तो इनका ये जो प्रोग्राम है इसे आप जो कि कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, अपना खुद एक ब्लॉकचेन डेवलप करने के लिए। ठीक है, टेम्पलेट मीट और पार्टनर, इनके जो पार्टनर हैं आप देख सकते हो कौन इनके पार्टनर है, टू की एस नैस, ठीक है, जो भी आप शो कर रहे हैं मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हो। थोड़ा इसको वेट कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन, मैंने भी इसकी वेबसाइट पर विजिट नहीं किया, अभी मैं इसको विजिट कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं कौन इनके पार्टनर वगैरह हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये सारे जो सिंबल्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे इनके पार्टनर्स हैं। नेस, अगर नेस के बारे में आप जानते हो तो वो, और टू की, फिर उसके बाद ये पॉली पॉली कुछ है, पॉलीकॉन वगैरह टाइप का है, ठीक है, तो पॉलीकॉन भी हो सकता है इसमें पार्टनर हो। ठीक है, ए ब्लॉकचेन टू एलिवेट योर बिजनेस, ठीक है, वी स्ट्रांगली बिलीव ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन शुड हैपन ओनली इफ इट क्रिएट रियल वैल्यू, अगर ये क्रिएट करता है रियल वैल्यू तो ब्लॉकचेन पॉसिबल है, हो सकता है इन फ्यूचर। वी कैन हेल्प यू ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी और डिस्कवर न्यू बिजनेस मॉडल, न्यू बिजनेस मॉडल भी ये डिस्कवर करेंगे। आप देख सकते हो पहला क्या है, इन्होंने क्या दिया, इनिशियल कॉल सेटअप एंड एक्सप्लोरेटरी कॉल विथ एन एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी कॉल आपको मिल सकता है अगर ये जो फ्यूचर में आने वाला है, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फाइंड योर यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं। टेलर्ड सॉल्यूशन भी प्रोपोज, ए टेलर्ड सॉल्यूशन विथ मेजरेबल रिजल्ट, मेजरेबल रिजल्ट के साथ एक टेलर्ड सॉल्यूशन भी देंगे। वी डिफाइन द टाइम लाइन एंड कॉस्ट टू डिलीवरी, टाइम लाइन और कॉस्ट भी ये प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद पांचवा ये है जो है कि डिलीवरी एंड इवेल्यूएशन, वी डिलीवर टुगेदर वी इवेल्यूएट विथ अस, ठीक है, तो इसके बारे में जो भी है आप इसके वेबसाइट पर विजिट करके आप पढ़ सकते हो, जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे लगी तो उसको मैंने दिखा दिया। अभी देखो इसका जो कि एम्बेसडर के बारे में नहीं है, गेट इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व होने का ऑप्शन आ रहा है, बाकी जो इसके एम्बेसडर है उसके बारे में कुछ अभी जानकारी नहीं है। ठीक है, मेकर्स, मेकर्स आर चैंपियन ऑफ एलरन हु हैव प्रूवन हाई एनर्जी एंड एक्सेप्शनल एबिलिटी टू मूव माउंटेन विथ हस ओवर टाइम, नॉट एवरीवन कैन बिकम ए मेकर बट देयर आर फ्यू हु कैन, वी विल कॉन्टैक्ट यू व्हेन यू आर रेडी। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ये कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जो एलरन गोल्ड को परचेस करना चाहते हैं। ए टोकन टू फ्यूल दी एलरन इकोनॉमी, एक टोकन ऐसा ये लोग डेवलप करें जो कि फ्यूल कर सकते, तेल क्रेट, फ्यूल मतलब तेल होता है, पेट्रोल है, डीजल, उस टाइप का कुछ फ्यूल दिमाग में इनके जो कि एलरन इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, बाकी इनका मार्केट कैप वगैरह देख सकते हैं, तो एलरन गोल्ड की प्राइस करेंटली जो कि $4.36 आसपास चल रही है, अब मार्केट कैप इनका $8.65 बिलियन, जो कि एलरन गोल्ड का भी मार्केट कैप जो है कि $8.65 बिलियन है, वॉलेट जो है कि 1.0 मिलियन है, और वॉल्यूम इनका $354.88 मिलियन है। ठीक है, स्टेक जो है कि 59%, यानी करके इनका जो भी है 59 यानी करके अप्रॉक्स 60%, अगर आपके मान लीजिए एलरन गोल्ड ने 100 कॉइन इनके मार्केट में है तो उसमें 59% के स्टेक हैं जो कि लॉक हैं। ठीक है, तो वैल्यू को गिरने में बहुत कुछ खो सकते हैं क्योंकि 59% ओनली, और मार्केट में जो है कि 41% सप्लाई में भी हैं, तो मार्केट में बुल है कि बियर है जो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये पीस किस एक्सचेंज पे अवेलेबल है तो उसको देख सकते हैं आप, बाइनेंस पे ये मिल सकता है, ओकेक्स पे मिल सकता है, बिटफिनेक्स, crypto.com, क्यूकॉइन, binance.us, वाजीरेक्स, एसेंट ईएक्स, बिट हम ग्लोबल, इंडोडेक्स, get.io, टोको क्रिप्टो। ठीक है, आप देख सकते हो किस किस प्लेटफॉर्म पे, पीपल बिहाइंड एलरन हाइली, ठीक है, जो पीपल जो लोग इनके पीछे हैं मतलब बनाने वाले हैं वो टीम है, उस टीम की ये फोटो आप देख सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा मैं जूम करके आप दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो बाकी आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप इस पे जाके देख सकते हो। बाइनेंस, इलेक्ट्रिक कैपिटल, NGC, MN कैपिटल, फूड स्टॉक, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बैकिंग, ठीक है, इला जैंग हेड ऑफ बाइनेंस लैब, ये जो कि स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर है। ठीक है, एलरन गोल्ड, एलरन डीफाई, ठीक है, एलरन डीफाई द ईरा ऑफ आओ। ठीक है, बाकी इसके बारे में जो भी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बाकी जो है कि हम इसको बारे में नेक्स्ट विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो एलरन गोल्ड की जब भी मैं बनाऊँ तो अब तक मिल जाए।